कांठा विभाग नवनिर्माण मंडळ डीसी पटेल एज्युकेशनल कैम्पस सीबी पटेल स्पोर्ट्स कैम्पस सथवारे नंदुबा इंग्लिश एकेडमी 150 वधारे विद्यार्थी 36मो नेशनल कैम्प्स स्पोर्ट्स इवेंट्स समापन कार्यक्रम में टेक्वांडो रमत ने परेड मध्यम थी रेप्रेजेंट कर सूरत शहर में 20 तारीख थी नेशनल गेम्स प्रारंभ थयो छे त्यारे नेशनल गेम्स अवेरनेस प्रोग्राम 3 दिवस चाली रह्यो छे जेमां वेसुना आइकॉनिक रोड खाते 36मो नेशनल गेम्स स्पोर्ट्स इवेंट समापन कार्यक्रम में रेली प्रदर्शन आयोजन कर शहर की विविध शालाओं विद्यार्थियों भाग लीधो है जमा कांठा विभाग नवनिर्माण मंडल डीसी पटेल एज्युकेशनल कैम्पस सीबी पटेल स्पोर्ट्स कैम्पस सत्वरे नंदुबा इंग्लिश एकेडमी विद्यार्थियों द्वारा टेक्वांडो रमत ने परेड मध्यम थी रेप्रेजेंट कर शाला 150 विद्यार्थियों भाग लीधो शाला चेरमेन पंकजभाई गीजभाई पटेले शाला दरेक विद्यार्थियों ने आ परेड मे प्रोत्साहन कर स्कूल आचार्य डॉक्टर मोनिका शर्मा जणाव्युं हतुं के शाला द्वारा 36मो नेशनल गेम्स ना समापन सेरेमनी में उत्साहभेर जोड़ाया छे अने बाळकों ने पण नेशनल गेम्स में पोतानी रुचि वधारे ते माटे प्रोत्साहन करवामां आव्युं हतुं। आज तमाम शालाओं कॉलेजों खूब वधारे संख्या में बाळकों जे स्पोर्ट्स कार्निवल सूरत में पार्टिसिपेट करी रह्या छे अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रकार कृतिओ अने एक्टिविटीज करवामां आवे छे। आपणने आनंद छे कि बाळको एटला क्रिएटिव छे कि कोई टेबल टेनिस में कोई जिम्नास्टिक्स में कोई बैंड में कोई अलग अलग प्रकारना रमतों में ए लोको खूब सुंदर रीते अहींया जे छे ए प्रदर्शन करी रह्या छे। आ मार्च पास थी आपणने एवुं लागे छे भविष्यना युवा पेढ़ी स्पोर्ट्स प्रत्ये आकर्षाय अने भविष्यना युवा पेढ़ी तंदुरुस्त रहे एटला माटे आ स्पोर्ट्स कार्निवल में ए लोकोनुं पार्टिसिपेशन अविस्मरणीय रहेशे। जे प्रकारे आ लोकोनुं आ बहु सरस एंथुसियाजम छे मने लागे छे ए खरेखर सूरत में आपणे आ स्पोर्ट्स कार्निवल अद्वितीय गणाशे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका शर्मा और आज हम यहाँ पे डीसी पटेल नवनिर्माण एजुकेशन ट्रस्ट और नंदुबा इंग्लिश एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। हमारे स्कूल ने यहाँ पे टिकविंडो गेम में पार्टिसिपेट करा है। ये बहुत बड़ी परेड है और एक स्पोर्ट कार्निवल है बड़ा सारा जो कि नेशनल गेम्स को प्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हमारे बच्चे टिकविंडो को प्रेजेंट करते हुए 150 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे परेड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है हमारे लिए और देश के लिए हमारा समर्पण भी है और बहुत सारे गेम्स की अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो यहाँ पे प्रोग्राम करा जा रहा है उसमें हम लोग भी हिस्सा बने हैं। ये हमारी सौभाग्य की बात है। थैंक यू। जी मैडम, सूरत में इस बार हो रही है गेम, क्या कहूँगा उसके लिए? ये बहुत अच्छा है ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, अलग अलग गेमों को प्रोत्साहन मिलता है तो अपने स्टूडेंट को उसमें छुपी हुई प्रतिभा का पता पड़ता है और उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आगे वो परफॉर्म कर सकता है। आपके जितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं और किस तरह से 150 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं परेड के अंदर और काफ़ी उत्साह है उनमें। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ रुमाना पठान एंड आई एम द कोऑर्डिनेटर एंड एनसीसी इंचार्ज इन नंदुबा इंग्लिश एकेडमी। इट्स अ ऑनर दैट अवर स्कूल नंदुबा इंग्लिश एकेडमी इज द पार्ट ऑफ नेशनल कार्निवल फेस्टिवल। वी आर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड, यू कैन सी अवर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड टीचर्स ऑल्सो, वी आर सो हैप्पी दैट वी आर द पार्ट ऑफ दिस कार्निवल फेस्टिवल। गुड मॉर्निंग नंदुबा स्कूल, डी सी पटेल स्कूल, नवनिर्माण कैंपस नंदुबा स्कूल। आज 20 તારીખે સવારના 6 વાગેથી રેલીમાં ભાગ લઈ છે, કાર્નિવલ ફંક્શન છે અને અંદાજે અમારી શાળાના 150 બાળકોએ ભાગ લીધો છે અને આના માટે ડીઓ સુરત મહાનગરપાલિકાનું ઘણું સારું આયોજન છે અને બાળકો પણ ઘણી મોજ કરી રહ્યા છે। જે લોકો ઘણી જુદી જુદી 36 ગેમો જોઈ રહ્યા છે અને એ લોકોને ઘણો અનુભવ અહીંયા મળી રહ્યો છે। સર, આ ગેમ જે સુરતમાં યોજાય છે એ બાબતે તમે શું કહેશો? આ ગેમ સુરતમાં યોજાય છે તે માટે આજે અહીંયાથી આપના માધ્યમથી બધાને સંદેશ છે કે સુરતીના બધા વાસીઓ ત્યાં આગળ જાય, જે ગેમો બીચ વોલીબોલ છે, બીચ હેન્ડબોલ છે, તેની અંદર બને તેટલું આપનું ક્રાઉડ ભેગું થાય તો પાર્ટિસિપન્ટ્સને પણ મજા આવશે અને તમને પણ કંઈક નવું જોવા મળશે।